चुनावी साल है और चुनावी साल में सबसे ज्यादा अहम होता है कि टिकट वितरण किसे किया जाए। अब इस पर दावेदार जो हैं वो आज से आवेदन दे सकते हैं। आपको बता दें कि आज से लेकर 22 अगस्त तक के ब्लॉक अध्यक्ष से फॉर्म लेना होगा, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक ये पहुंचेगा। फॉर्म में 8 बिंदुओं पर जानकारी दी जानी है। फॉर्म में पहली बार कांग्रेस में कब्जे का सवाल भी पूछा गया है। दावेदार ये बताएंगे कि संगठन में पूर्व और वर्तमान पद क्या है। इसके साथ ही दावेदारों से मुकदमों की भी जानकारी मांगी गई है। दावेदार को सामाजिक गतिविधियां भी बतानी होगी। तो इस बार फॉर्म में काफी बिंदुओं को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि आज से दावेदार आवेदन दे सकेंगे। कांग्रेस में टिकट के लिए आज से आवेदन की शुरुआत की जा रही है। आज से लेकर 22 अगस्त तक के आवेदन दिए जा सकेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष से इसके लिए फॉर्म लेना होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अब आवेदन फॉर्म जारी कर दिए हैं और आपको ये भी बता दें कि इस बार आवेदन फॉर्म काफी अलग है, जिसमें 8 बिंदुओं में आवेदक को जानकारी देनी होगी। फॉर्म में पहली बार कांग्रेस में दावेदार कब से है ये बिंदु भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही संगठन में पूर्व और वर्तमान पद की जानकारी भी आवेदक को देनी होगी। दावेदारों में मुकदमों की भी जानकारी मांगी गई है। इसी तरह से किन सामाजिक गतिविधियों में शामिल हुए हैं आवेदक, ये भी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। तो कई बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। आज से आवेदन की तिथि शुरू हो रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर फॉर्म जमा करवाए जाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए सभी दावेदारों को ब्लॉक में ही फॉर्म जमा भी करना होगा। मुख्यमंत्री से लेकर मौजूदा विधायक और टिकट की चाह रखने वाले तमाम दावेदारों को कांग्रेस ब्लॉक कमेटी में फॉर्म जमा करना अनिवार्य किया गया है। दावेदारों को फॉर्म में 8 बिंदुओं पर जानकारी देनी होगी। फॉर्म में पहली बार कांग्रेस में कब से है ये सवाल जोड़ा गया है, ये बिंदु ऐड किया गया है। क्या कभी कोई चुनाव लड़े हैं? दावेदार ये बताएंगे कि संगठन में पूर्व और वर्तमान पद उनका क्या है, ये जानकारी भी मांगी गई है। साथ ही दावेदारों से मुकदमों की भी जानकारी मांगी गई है इस फॉर्म में। उसी तरह से दावेदारों को सामाजिक गतिविधियों की भी जानकारी इस फॉर्म के माध्यम से देनी होगी। इसके बाद 24 अगस्त तक ब्लॉक की बैठक होगी। बैठक में दावेदारों के नाम का एक पैनल तैयार किया जाएगा। 26 अगस्त तक सभी आवेदन और प्रस्ताव पत्र जिला कांग्रेस कमेटी में जमा किए जाएंगे, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में नामों पर मंथन होगा और फिर 31 अगस्त तक पीसीसी मुख्यालय में नाम या नामों का पैनल जमा करवाया जाएगा, जहां से नामों का पैनल फाइनल कर स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। संभवतः सितंबर में कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी।